हाँ जी, नेक्स्ट सम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टॉपिक अपना। सो सम है वाई इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स, देन शो डैट वन मीन्स एक्स स्क्र इन टू डबल डेरीवेटिव वाई टू मीन्स की होंगे डबल डेरीवेटिव। कई बार बुक सू इस तरह भी मैनशन किया हो सकता है, एंड माइनस एक्स इन टू वाई वन, वाई वन मीनस सिंगल डेरीवेटिव इजिकल टू जीरो। सो इस सम आप प्रूफ करना है इजिकल टू जीरो। सो जो आप फस्ट पार्ट में गल की थी कि जो कंडीशन गिवन है उस तरह आप इसमें सॉल्व करा कि मीनस फस्ट आप इस फंक्शन का डबल डेरीवेटिव फाइंड करा, उसकी प्रोडक्ट वन माइनस एक्स के ना करा, दैन फस्ट डेरीवेटिव की मल्टीप्लाई एक्स ना करा। सो इन्हों दोनों की माइनस करा आंसर की है जीरो हो जाऊ। सो जो ट्रिगोनोमेट्री वाले सम होंगे ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाले सम होंगे आ, वह थोड़े जे ईजी हो जाते हैं। सो देखो आप करते हैं थोड़े जे ईजी वे ना। सो गिवन की है वाई इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स फस्ट कंडीशन, दैन फाइंड फस्ट डेरीवेटिव वाई वन, डेरीवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स मीनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो हुण इसनों आपां अगेन डेरीवेटिव करने की बजाय एक थोड़ा ईजी मैथड करा। सो समझने की कोशिश करो, हुण बोथ साइड करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड। ओके, सो ये फिक्स स्टेप ही अपने, इसमें तुम याद ही रख लो भावें कि जिन्हें भी इनवर्स वाले सम है, इनवर्स वाले सम है एंड लॉग वाले सम होंगे, वह मोस्टली अपने इस स्टेप नाल सॉल्व हो जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड वाई वन इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर इजिकल टू वन, दैन स्केयरिंग बोथ साइड। ओके, मीन वाई वन इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर इजिकल टू वन स्केयर। हुण दोनों फंक्शन की है प्रोडक्ट हो रहे हैं, सो इन दोनों की स्केयर अलग अलग हो जूगा, मीनस वाई वन स्केयर इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स का स्केयर होल स्केयर वन, स्केयर ना रूट कैंसल, मीनस वाई वन स्केयर इंटू रूट कैंसल वन माइनस एक्स स्केयर, ये रूट नहीं होना उपर इजिकल टू वन, दैन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट बोथ साइड। सो हुण ये दोनों फंक्शन की है प्रोडक्ट हो रहे हैं, सो इन उपर की लगू प्रोडक्ट रूल। सो फस्ट टर्म आप रखेंगे सेम एज इट, एंड डेरीवेटिव ऑफ सैकेंड, डेरीवेटिव किया इस टर्म का की आऊगा माइनस टू एक्स। ओके, प्लस सैकेंड टर्म सेम एज इट, डेरीवेटिव ऑफ फस्ट टर्म वाई वन स्केयर का करना डेरीवेटिव, मीन जो फस्ट डेरीवेटिव है उसके स्केयर का करना डेरीवेटिव। सो सिंपल पावर अगे वाई वन, फिर पावर तो बाद पावर के अंदरले फंक्शन का डेरीवेटिव, इट मीनस वाई वन का डेरीवेटिव की होजूगा वाई टू, मीन सिंगल डेरीवेटिव का जो आप अगेन डेरीवेटिव करा वो की होजूगा डबल डेरीवेटिव, दैन इजिकल टू डेरीवेटिव वन जीरो, क्यों वन की है कॉन्सटेंट है। सो हम पूरे टर्म देखो माइनस टू एक्स वाई वन स्केयर प्लस टू वाई वन इंटू वाई टू इंटू वन माइनस एक्स स्केयर इजिकल टू जीरो। सो जो चीज़ प्रूफ करनी है मोस्टली मैच कर चुकी है उसने अपनी, बट इस विच की है टू एंड वाई वन की है कॉमन आ रहा है पूरी टर्म विचों की है, टू वाई वन की है, टू इंटू वाई वन की है कॉमन, टू वाई वन कॉमन लवेंगे, वी हैव लेट माइनस एक्स वाई वन प्लस वाई टू इंटू वन माइनस एक्स स्केयर इक्वल टू जीरो। सो टू वाई वन अपना की है पूरी टर्म ना की हो रहा है मल्टीप्लाई, इसमें मूव करा राइट हैंड साइड
एक की हुई डिवाइड, किसी भी नंबर ने जीरो ने डिवाइड किया आंसर की हुई जीरो। एक्स वाई वन प्लस वाई टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो जो चीज़ सॉल्व करनी सी अपना प्रूफ करनी सी हो चुकी है। देखो थोड़ा अरेंज करके अपन लिख देने हैं, वाई टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू जीरो एंड प्रूफ इट। ओके नेक्स्ट समय वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, प्रूफ डैट वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई टू प्लस एक्स टू एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल टू जीरो। सो आप पहले स्टार्टिंग गल की थी, जिन्हें भी इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिकल सम है एंड लॉग टॉपिक, ये दोनों टॉपिक सॉल्व करने सिर्फ चार स्टेप ही है, डेरीवेट डिफरेंशिएट क्रॉस मल्टीप्लाई स्केयरिंग एंड अगेन डिफरेंशिएट। बट देखो सवाल को सॉल्व करते हैं, वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स दैन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स बोथ साइड, मीन्स डेरीवेटिव वाई वाई वन डेरीवेटिव दिस टर्म वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर। ओके देन क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड वाई वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वन। हुण आपां इस सवाल दे विच की है सम दे विच स्केयरिंग नहीं करांगे क्योंकि आपां नूं इत्थों क्लीयर जजमेंट हो रही है कि इहदे उपर की स्केयर नहीं है। जेकर अपने उपर इस टर्म दे उपर स्केयर हुंदा देन आपां स्केयरिंग बोथ साइड जरूर करदे, इट मीनस अपना स्टैप की है कैंसल। देन आप करेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स बोथ साइड। हुण इस टर्म नूं डेरीवेटिव करने लिए आप प्रोडक्ट रूल की हेल्प लवेंगे। सो डेरीवेटिव किया फस्ट टर्म का वाई टू, सैकेंड टर्म सेम एज इट, देन प्लस फस्ट टर्म सेम एज इट डेरीवेटिव ऑफ सैकेंड टर्म 2x इज इक्वल टू जीरो। सो बहुत ही ईजी सम सॉल्व हो गया, जो चीज़ प्रूफ करनी सी तो हो चुकी है, सिर्फ नंबरों को की आप जो टर्म है इन्हों अरेंज करना है। सो कर दें वन प्लस एक्स स्केयर इंटू वाई टू प्लस टू एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल टू जीरो, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन हैंस प्रूफ इट। सो ये अपना टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जिन्हें भी हायर ऑर्डर वाले सम से उन्होंने आप सॉल्व कर चुके हैं। हाँ जी नैक्सट सम है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स द पावर टू, दैन प्रूफ डैट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डबल डेरीवेटिव माइनस एक्स इंटू सिंगल डेरीवेटिव इज इक्वल टू टू। ओके सो हम आप इस लैक्चर में जिन्हें भी सम करा इनवर्स ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन वाले ही सॉल्व करा। ओके तो देखो हम इस सम सॉल्व क्यों करना, आप वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का स्केयर। ओके सो फर्स्ट आप करा सिंगल डेरीवेटिव बोथ साइड, डेरीवेटिव वाई वाई वन कि मीनस आप सिंगल डेरीवेटिव नू वाई वन भी लिख सकते हैं। तो मैं वाई वन ही लिखाँगा इज इक्वल टू डेरीवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो फस्ट आप पावर अगे लियावे टू साइन इनवर्स एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके सो देखो वाई वन अगेन आप लिखते हैं टू इंटू साइनवर्स एक्स डिवाइड बाय वन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ओके हुण इस कंडीशन ध्यान देखो, आप पहला भी जो सम पहला किया फस्ट सम किया उस विच डिस्कस किया सी कि जिन्हें भी इनवर्स वाले सम है मोस्टली इस तरह ही सॉल्व होणगे कि जो नीचे रूट आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड
स्केयरिंग देन अगेन डिफरेंशिएट, ये चार स्टेप याद कर लो। सो पहले फर्स्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन स्केयरिंग, देन अगेन डिफरेंशिएट। इन्हों चार स्टेप की हेल्प ना अपना की है सम सॉल्व हो जू, मोस्टली इनवर्स एंड लॉग वाले। ओके सो अगेन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड, ओके वाई वन इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू टू साइन इनवर्स एक्स। ओके देन स्केयरिंग बोथ साइड स्केयरिंग बोथ साइड वाई वन स्केयरिंग स्केयर ऑफ वाई वन इंटू स्केयर ऑफ रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर। सो आप अलग अलग इन्हों दोनों टर्म का की है अलग अलग स्केयर करता, इज इक्वल टू टू स्केयर इंटू साइन इनवर्स एक्स स्केयर, इन्हों दोनों टर्म का अलग अलग स्केयर करता, इन्हों दोनों टर्म का अलग अलग स्केयर करता। वैसे आप इन्हों दोनों टर्म का कंबाइन स्केयर भी कर सकते थे इस तरह। ओके बट इस तरह करने आप की है सम समझने से थोड़ी प्रॉब्लम घट होगी। सो देखो किमें वाई वन स्केयर नो सेम एज इट, स्केयर रूट कैंसल इंटू वन माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू फोर साइन वर्स एक्स स्केयर। सो देखो फर्स्ट कंडीशन जो अपनी साइन वर्स एक्स स्केयर, साइन वर्स एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी है वाई मीन फोर इंटू वाई। फोर इंटू वाई ठीक है। सो हम देखो डिफरेंशिएट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, स्केयरिंग भी सॉल्व कर ली, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स बोथ साइड। सो हम ये दोनों फंक्शन की है प्रोडक्ट हो रहे हैं, इन्हों पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो फर्स्ट टर्म सेम एज इट, डेरीवेटिव सेकेंड माइनस टू एक्स प्लस सेकेंड टर्म सेम एज इट, डेरीवेटिव फर्स्ट टू इंटू वाई वन, डेरीवेटिव वाई वन मीन्स वाई टू। ओके देन फोर कॉन्स्टेंट एज इट, डेरीवेटिव वाई वाई वन। ओके सो पूरी टर्म विच देखो वाई वन की अपना कॉमन आ रहा है, सो इस टर्म विच अपना की है वाई वन की है कॉमन। सो वाई सॉरी टू वाई वन कॉमन है, तो टू वाई वन आप कॉमन लवेंगे, टू वाई वन इस टर्म विच कॉमन कॉमन लिया माइनस एक्स वाई वन प्लस इस टर्म विचों टू वाई वन कॉमन लिया अपने को बचूगा वन माइनस एक्स स्केयर वाई टू इज इक्वल टू फोर वाई वन। हुण इस टू वाई वन नूं आपां राइट हैंड साइड की है मूव करांगे, तो की है मूव करके डिवाइड हो जूगा। देखो माइनस एक्स वाई वन प्लस वन माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई टू, इसनों किया इस नाल डिवाइड, वी हैव टू जस्ट टू। ओके सो देखो जो चीज़ प्रूफ करनी सी अपना वो की है प्रूफ हो चुकी है, बस थोड़ा जहाँ इसनों अरेंज करांगे। देखो वन माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन इज इक्वल टू टू, तो वाई टू नूं आपां डबल डेरीवेटिव भी लिख सकते हैं, डबल डेरीवेटिव इस तरह एंड वाई वन सिंगल डेरीवेटिव इस तरह प्रूफ इट। ओके तो अगेन देखो फर्स्ट स्टेप कीता, सो चार स्टेप याद कर लो, जिन्हें भी इनवर्स वाले सम है इस तरीके ही सॉल्व होंगे। फर्स्ट स्टेप करेंगे डिफरेंशिएट फर्स्ट टाइम, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर स्केयरिंग, स्केयरिंग सॉल्व करांगे, फिर अगेन डेरीवेटिव करांगे, तो अपना की है आंसर सॉल्व हो जूगा। सो ये सम सिर्फ इनवर्स वाले ही सॉल्व होंगे इस मैथड नाल, सो ये मैथड याद कर लो। ओ ठीक है नेक्स्ट सम है वाई इज इक्वल टू स्केयर ऑफ टेन इनवर्स एक्स, देन शो डैट एक्स स्केयर प्लस वन द होल स्केयर इन टू वाई टू
प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन इज इक्वल टू टू। ओके सो ये सम आप उसी तरह करेंगे जिन्हें भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल सम है। आप पहले भी गल की थी कि इस सॉल्व करने सिर्फ चार स्टेप ही है। फर्स्ट की है डिफरेंशिएट, दैन क्रॉस मल्टीप्लाई, दैन स्केयरिंग, स्केयरिंग सॉल्व करांगे, दैन अगेन डिफरेंशिएट। ओके सो देखो आप इन्हें चार स्टेप की हेल्प नाल इन्हों सॉल्व करांगे। तो देखो वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स का स्केयर फर्स्ट कंडीशन, दैन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पैक्ट एक्स मीनस आप इन्हें दोनों का करांगे डेरीवेटिव, डेरीवेटिव वाई वाई वन, डेरीवेटिव दिस फंक्शन टू इंटू टैन इनवर्स एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स वन बाय वन प्लस एक्स स्केयर। तो देखो वाई वन इज इक्वल टू टू इंटू टैन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्केयर। ओके सो देखो कि सो फर्स्ट स्टेप की अपना डिफरेंशिएट सॉल्व करता, सेकंड स्टेप की है क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड, सो हम आप करेंगे इन्हों की क्रॉस मल्टीप्लाई वाई वन इंटू वन प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू टू इंटू टैन वर्स एक्स, देन स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड मीन्स वाई वन द स्केयर इंटू वन प्लस एक्स स्केयर द होल स्केयर इज इक्वल टू स्केयर ऑफ टू इंटू स्केयर ऑफ टैन वर्स एक्स। सो हरेक फंक्शन की है अलग अलग स्केयर करता। तो देखो टैन इनवर्स एक्स स्केयर, सो फर्स्ट कंडीशन देखो टैन इनवर्स एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई मीन जिसे टैन इनवर्स एक्स है ना उत्थे आप की पुट करेंगे ना वाई पुट करांगे। ठीक है देखो वाई वन स्केयर इंटू वन प्लस एक्स स्केयर द होल स्केयर इज इक्वल फोर इंटू वाई फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। हुण आप स्केयरिंग भी सॉल्व करती, दैन नैक्सट स्टैप की है अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट एक्स बोथ साइड। तो देखो हुण आप इन्हां फंक्शन का की है डेरीवेटिव करना है, तो इन्हां दोनों पर सेम प्रोडक्ट रूल लगूगा। सो प्रोडक्ट रूल अकॉर्डिंग आप फर्स्ट का करते हैं डेरीवेटिव टू वाई वन इंटू वाई टू, सैकेंड सेम एज इट प्लस फर्स्ट सेम एज इट, डेरीवेटिव सैकेंड टू इंटू वन प्लस एक्स स्केयर इंटू टू एक्स। ओके क्यों इस डेरीवेटिव आप किस तरह सॉल्व किया, देखो कि फर्स्ट आप पावर अगे लिया इंटू फंक्शन सेम एज इट इंटू डेरीवेटिव फंक्शन। ओके दैन इज इक्वल टू फोर वाई, फोर कॉन्सटेंट है डेरीवेटिव वाई वाई वन। ओके हुण इस पूरी टर्म विचो देखो टू वाई वन की अपना कॉमन लवेंगे। सो फस्ट आप टू वाई वन कॉमन लेने सिर्फ लैफ्ट हैंड साइड विचो। ओके टू वाई वन कॉमन लिया अपना इस टर्म विचो अपने को बचूगा वाई टू इंटू वन प्लस एक्स स्केयर द होल स्केयर प्लस इस टर्म विचों आप टू वाई वन कॉमन लिया तो अपने को बचूगा टू वाई वन इंटू एक्स वन प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू फोर वाई वन। हुण इस टू वाई वन आप राइट हैंड साइड टर्म नाल की है डिवाइड करांगे। सो देखो वाई टू इंटू वन प्लस एक्स स्केयर द होल स्केयर
प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई वन, जस्ट अपन नंबर की है इंटरचेंज करते, 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अगे लिख लिया एंड वाई वन की है थोड़ा जहा पिछले बैक करता, देन 4y1 टू वाई वन ने डिवाइड किया, वी हैव जस्ट 2। ओके तो देखो अपना जो चीज़ प्रूफ करनी थी ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ नंबर अपने की है उल्ट पुलट है कि y2 इंटू एक्स स्केयर प्लस वन द होल स्केयर प्लस 2x1 प्लस एक्स स्केयर इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड प्रूफ इट। एक नेक्स्ट समय वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्केयर प्रूफ डैट इट इज फंक्शन। सो इस सम सेम आएगा अपना बिल्कुल इस प्रोसैस न करा, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स का डेरीवेटिव की अपना 1 - 1 पा डेरीवेटिव कॉट इनवर्स एक्स की होंगे माइनस, देखो कॉट इनवर्स एक्स डेरीवेटिव माइनस 1 / 1 प्लस एक्स स्केयर डेरीवेटिव सेम है बिल्कुल। इस जगह से माइनस पुट करा आप, इस जगह से माइनस आजगा सेम है, तो इधर की अपना माइनस आजगा, बट जो स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड की अपना जो नैगेटिव है वह की है पॉजिटिव हो जूगा। सो सम अपना की सेम बिल्कुल सेम है, दट इस तरह ही सॉल्व करना है इस सम। ओके नैक्सट सम है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 - x² दैन शो डैट 1 - x² इंटू y2 माइनस 3x इंटू y1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो जिन्हें भी अपने इनवर्स वाले सम है उन्होंने आप गल की डिफरेंशिएट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्केयरिंग अगेन डिफरेंशिएट इस तरह सॉल्व करेंगे। बट आप क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों सॉल्व करते थे क्यों करते थे इन सम, क्योंकि फंक्शन के डिनोमीनेटर की है रूट हों। ओके तो रूट न खत्म कर रूट न ईजली सॉल्व करने लिए उसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। सो इस बार अपन की सम के रूट आ गया साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 - x². ओके सो इसमें ईजली सॉल्व कर आप सैकेंड स्टैप में डायरैक्टली यूज करा क्रॉस मल्टीप्लाई में, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड। ओके मीन्स वाई इंटू रूट ऑफ 1 - x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देन स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड मीन वाई स्केयर इंटू रूट ऑफ 1 - x² द होल स्केयर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स द होल स्केयर। देखो हूँ करेंगे आप इसनों अगेन सॉरी डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट एक्स, सॉरी फर्स्ट आप स्केयर में रूट की है कैंसल करांगे, देखो वाई स्केयर इज इक्वल टू इंटू वाई स्केयर इंटू 1 - x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स द स्केयर। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स बोथ साइड, सो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे अपना वाई स्केयर का, देखो 2y इंटू वाई वन 1 - x² सेम है दट प्लस वाई स्केयर सेम है दट डेरीवेटिव ऑफ दिस फंक्शन माइनस 2x एंड डेरीवेटिव ऑफ दिस फंक्शन देखो 2 sin inverse x इंटू डेरीवेटिव ऑफ 1 / √1 - x². ओके सो हम देखो सॉल्व करेंगे सामू 2 इंटू वाई वन
इंटू वन माइनस एक्स स्क्र माइनस टू एक्स वाई स्क्र टू इंटू, देखो साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू की है वाई है, मतलब इस पूरी टर्म में आप की है वाई पुट करा। ओके सो हम पूरी टर्म में देखो वाई अपना की है कॉमन आ रहा, सॉरी टू वाई की अपना कॉमन आ रहा, सो वाई टू वाई की अपना कॉमन लवेंगे, मीन्स वाई वन इंटू वन माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई एंड वन। ओके देन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स, देखो सो इन्हें दोनों पर प्रोडक्ट रूल लगूगा, वाई वन का डेरीवेटिव किया वाई टू, वन माइनस एक्स स्क्र सेम एज इट प्लस वाई वन सेम एज इट डेरीवेटिव ऑफ दिस फंक्शन माइनस टू एक्स प्लस अगेन इन दोनों फंक्शन के उपर की अपना प्रोडक्ट रूल, सॉरी से माइनस आऊगा क्योंकि इस बिच की सिंबल की है माइनस का, सो इन दे प्रोडक्ट रूल में सॉल्व करने लिए आप ब्रैकेट यूज करा, ब्रैकेट क्यों यूज की क्योंकि बाहर अपने को है नैगेटिव का साइन है, एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई डेरीवेटिव ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू डेरीवेटिव वन जीरो, सो इस पूरी टर्म आप सॉल्व करा, वाई टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्र माइनस टू एक्स वाई वन माइनस एक्स वाई वन माइनस वाई इक्वल टू जीरो, सो हम वाई वन एंड वाई वन इन दोनों टर्मा के कोएफिशिएंट की है सॉल्व करा, आप देखो वाई टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस साइन माइनस माइनस इट मीन माइनस थ्री एक्स इंटू वाई वन माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो देखो जो चीज़ सॉल्व करनी सी आप कर चुके हैं, वन माइनस एक्स स्क्र इंटू वाई टू माइनस थ्री एक्स इंटू वाई वन माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, इट मीनस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट समय देखो वाई इज इक्वल टू पावर ऑफ ई एम इंटू साइन इनवर्स एक्स, देन शो डैट वन माइनस एक्स स्क्र इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन माइनस एम स्क्र इंटू वाई जस्ट वाई इज इक्वल टू जीरो, सो देखो इस इन्हों आप उस तरीके तरह ही उस तरीके की है सॉल्व करा, गिवन वी हैव गिवन वाई इज इक्वल टू पावर ऑफ ई एम इंटू साइन इनवर्स एक्स, देन करेंगे फर्स्ट आप करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट एक्स, वाई वन डेरीवेटिव ऑफ दिस फंक्शन के एक्सपोनेंट का डेरीवेटिव सेम एज इट ओना ही रहा है बट प्रोडक्ट की है उसकी पावर का डेरीवेटिव आ जाता है, मीनस एम इंटू डिवाइड बाय एम इंटू वन डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्र, सो देखो वाई वन इज इक्वल टू ई दी पावर एम साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाय इंटू एम डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्र, देन अगेन वही स्टेप जो पहले करते आ रहे आप इनवर्स वाइज सवालों में डिफरेंशिएट क्रॉस मल्टीप्लाई स्केयरिंग अगेन डिफरेंशिएट, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप वाई वन क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड वाई वन इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू ई दी पावर एम साइन इनवर्स एक्स इंटू एम। ओके इट मीनस देखो देन आप करेंगे इसमें सॉल्व स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, सो आप हरेक टर्म का की है इंडिविजुअल मीनस
कल्ले कल्ले कल्ली कल्ली टर्म का स्केयर करांगे। देखो वाई वन स्केयर हूँ एस टर्म का स्केयर किया, स्केयर का रूट कैंसल मीनस वन माइनस एक्स स्केयर तो एम स्केयर। हूँ देखो जो ई की पावर एम इंटू साइन वर्स एक्स है वो इज इक्वल टू की है वाई है, इट मीनस इसमें पुट करेंगे अपना स्केयर ऑफ वाई, समझ आई? क्योंकि इस टर्म की वैल्यू कि पुट की आप वाई तो इनडायरैक्टली इतने पुट करता वाई स्केयर। ओके दैन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट एक्स। ओके सो देखो हुण इन दोनों टर्मां दा डेरीवेटिव करन लई आपां प्रोडक्ट रूल की हैल्प लवेंगे, मीनस फस्ट डेरीवेटिव करेंगे वाई वन का स्केयर, तो डेरीवेटिव वाई वन स्केयर मीनस टू वाई वन इंटू वाई टू, तो वन माइनस एक्स स्केयर सेम एज इट प्लस वाई वन का स्केयर सेम एज इट, डेरीवेटिव ऑफ दिस टर्म माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एम स्केयर कॉन्सटेंट, इसमें आप सेम एज इट रखांगे। डेरीवेटिव ऑफ वाई स्केयर मीनस टू वाई इंटू वाई वन। ओके हुण इस टर्म नूं आपां की है लैफ्ट हैंड साइड मूव करांगे। मूव क्यों किया? क्योंकि अपने को जिन्नी टर्म है एम वाली जो टर्म एम वाला जो कोफिशेंट है इक्वेशन दे विच वो की है और लैफ्ट हैंड साइड है। ओके इस तरह आप इसनों की है लैफ्ट हैंड साइड की है मूव किया, टू इंटू वाई वन इंटू वाई टू, वन माइनस एक्स स्केयर माइनस टू एक्स वाई वन का स्केयर माइनस एम स्केयर टू वाई इंटू वाई वन इक्वल टू जीरो। हुण इस पूरी टर्म विचों देखो आपां की है टू वाई वन की है कॉमन लवेंगे, टू वाई वन कॉमन। हुण इस टर्म विचों टू वाई वन कॉमन लिया वाई टू इंटू वन माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स इंटू वाई वन माइनस एम स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। हुण इस टू वाई वन नूं आपां की है राइट हैंड साइड मूव करके जीरो नाल की है डिवाइड करांगे। सो किसी भी नंबर नूं जीरो नाल डिवाइड किया आंसर की है जीरो हो जू, इट मीनस वाई टू इंटू वन माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स इंटू वाई वन माइनस एम स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो जो चीज़ प्रूफ करनी थी सो हो चुकी है, इट मीनस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट सम है वाई इज इक्वल टू ई द पावर एम इंटू टेन वर्स एक्स। सो इस सम नूं की आपां सॉल्व करना है, सो सेम इस सम नूं सेम उस तरीके नाल सॉल्व करांगे आपां, उही स्टैप डिफरेंशिएट क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो फस्ट करेंगे अपना डेरीवेटिव वाई वन इज इक्वल टू ई दी पावर एम इंटू टैन इनवर्स एक्स इंटू एम बाय वन प्लस एक्स स्केयर। ओके देखो हुण करेंगे आप इसनों देखो सॉरी वाई वन इज इक्वल टू ई दी पावर एम टैन इनवर्स एक्स इंटू एम डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्केयर। वाई वन की वैल्यू आप सॉल्व कर लिया इस तरह देखो। ओके दैन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया वाई वन इंटू वन प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू ई द पावर एम इंटू टैन इनवर्स एक्स इंटू एम। देखो अपना स्टेप की थी डिफरेंशिएट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्केयरिंग, बट आपां इस सम विच की हुण स्केयरिंग नहीं करांगे। क्यों? क्यों देखो जो सम पहला सॉल्व किया आपां इसे पार्ट का, देखो एक कंडीशन दे विच एम स्केयर सी
ओके एस एम स्केयर तो आपां नूं जजमेंट हो चुकी सी कि बोथ साइड की आपां स्केयरिंग करांगे, बट इस कंडीशन विच की है एम दे उपर स्केयर नहीं है। सो आपां की एम दा स्केयर, इट मीन आपां इस कंडीशन विच स्केयर की है नहीं करांगे। ओके सो इट मीन सिंपल आपां करांगे डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट एक्स बोथ साइड। देखो हुण इस दा करांगे डेरीवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल, वाई वन डेरीवेटिव ऑफ दिस टर्म 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरीवेटिव वाई वन वाई टू इज इक्वल टू ई दी पावर एम टैन इनवर्स एक्स। इसनों की पुट किया है वाई, ठीक है। इट मीनस इस डेरीवेटिव सॉल्व करने की बजाय बजाय आप इनडायरैक्टली की है डेरीवेटिव वाई का करा। तो डेरीवेटिव वाई की होंगे अपना वाई वन, एम एज ए कॉन्सटेंट प्रोडक्ट ना रहेगा। ओके सो देखो वाई वन इंटू 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई टू, इस टर्म आप मूव करा वाई वन इंटू एम इज इक्वल टू जीरो। सो जो कंडीशन सॉल्व प्रूफ करनी है उसके अकॉर्डिंग हम आप इस पूरी टर्म की है यूज करा। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई टू, सो ये तो बन चुका है, बट जो 2x माइनस एम इंटू वाई वन, इन्हें दोनों टर्मों आप कंबाइन करा। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई टू प्लस वाई वन की है कॉमन लवेंगे, इन दोनों टर्मों चो वाई वन कॉमन लिया बचा की 2x माइनस एम इज इक्वल टू जीरो। सो जो चीज़ प्रूफ करनी सी हो चुकी है, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सम इज सॉल्व।